Assalamu alaikum, class 9 arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start review exercise of chapter 7. जी बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब हमारे पास है जी इसकी जायदा मशक, और इंग्लिश में आप रिव्यू एक्सरसाइज से इसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 5 है, ये करते हैं पहले दोनों। जो पहले आपने किए हैं बस वही क्वेश्चन है आपके पास, मेथड भी वही है सेम, बस क्या है जी इसमें वैल्यूज चेंज कर दी हुई हैं। इस जमी सिलसिला की nवीं रकम 18वीं रकम मालूम करें जिसकी पहली रकम 3 और मुश्तरका कदर 2 हो। देखिए, पहली रकम तो हमारे पास होगी ना a, ये आ गई 3, मुश्तरका कदर मतलब कि d हमारे पास हो गया 2, n हमारे पास आ गया 18वीं रकम मालूम करनी है। तो nवीं रकम 18वीं रकम हमने इन केस में मालूम करनी है। तो आप देखिए जी, हमारे पास अब ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये फार्मूला हमारे पास। तो पहले हमने nवीं रकम मालूम करनी है, nवीं, बाद में हमने 18 यूज़ करना है। देखिए ए एन सेम आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास 3 प्लस एन हमने अभी पुट नहीं करना, nवीं रकम पहले हम मालूम कर लेते हैं, एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो डी की जगह पे हम यूज़ करेंगे 2, तो ए एन इज इक्वल 3 प्लस, अब ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई एन 2n माइनस 2 एक 2, ए एन इज इक्वल 3। जब अब आप देखिए 3 में से 2 माइनस कर ले, हमारे पास आ गया 1 जमा 2n। तो जी ये हमारे पास आ गई nवीं रकम। अब हमने n जो है 18 पुट करके तो 18 वाली वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए a 18 इज इक्वल 1 प्लस 2n, तो a 18 हमारे पास जो है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 18 कर दें, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 8 16, 1 कह रही 2 1 2 36 आ गया, जमा कर ले इसको 37। तो ये हमारे पास इनके दो तरह का उसने आंसर मांगा हुआ है, एक उसने कहा जी nवीं रकम फाइंड करें, तो ये हमारे पास आ गई nवीं रकम। बाद में उसने कहा जी जो n है ना वो 18 रख लें, 18वीं रकम मालूम कर लें, तो बाद में हमने n 18 रख के तो 18वीं रकम इसकी मालूम कर ली। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये शुरू करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। अगर ए और बी, ए और 16 का जमी वस्त 24 हो तो ए की कीमत मालूम की थी। देखिए जमी वस्त के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ए बी और जमी वस्त। तो उसमें हमें ए क्या फाइंड करना है, बी दे दिया और जमी वस्त दे दिया हुआ है, ए हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास है 16, और जो जमी वस्त है इसको हम ए से भी ज़ाहिर करते हैं वो हमारे पास 24 है। तो जमी वस्त का फार्मूला लगा दें, जमी वस्त बराबर है ए बराबर ए जमा बी डिवाइडेड बाय 2, जमी वस्त हमारे पास है 24 डिवाइड ए, हम रूम करना है ए सेम लिख लें, और बी पे हमारे पास आप देखिए जी 16 है, जमा 16 कर दें और इसको डिवाइड कर दें 2 पे, ये 2 हो रहा डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2 ए जमा 16, इसको अब मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 4 8 2 2 4 48 आ गया, ए जमा 16, अब ये 16 प्लस हो रहा है इधर आगे, इसको माइनस कर दें 48 माइनस 16, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए इज इक्वल, इसको अगर हम 1 माइनस करें 4 में से तो आ गया 3, 8 में से 6 माइनस करें तो आ गया 2, ए बराबर हमारे पास आ गया जी इसका आंसर 32 आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, अब वो करते हैं। तो जी बच्चों, इसका अब रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। 1/2 और 16 के दरमियान 4 ज़रबी वस्त मालूम कीजिए। तो पहली वैल्यू हमारे पास, ये पहली और आखिरी वैल्यू इसने हमें दे दी है, तो हमने इसके पहले नंबर पर 1/2 लिखना है और लास्ट पे लिखना है 16, दरमियान में आपने जितने भी ज़रबी वस्त होते हैं वो दरमियान में लिखने हैं, G1 G2 G3 और G4। तो अब हमने इसका डाटा बनाना है, पहले देखिए हमारे पास ए जो है 1/2 है, एन टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू ये हो गया हमारे पास एन, तो ए एन यानी कि लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 16,
इसकी मदद से पहले हमने आर मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस वन। ए एन पे आपने रखना है 16, ए पे आपने रखना है 1/2 और आर पे रखना है जी आपने, आर ही सेम आएगा और एन हमारे पास 6 - 1 कर देंगे आप। ये 2 इधर हो रहा डिवाइड, इधर आके हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई, आर की पावर हमारे पास रहेगी 5, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें हो गया 32। 32 हमारे पास यानी कि आर की पावर 5 बराबर 32 आ गया, तो आर की पावर 5 और यहाँ पर अगर आप 32 का 2 की पावर 5 लें तो 32 आ जाएगा। डायरेक्ट इसको आप कर लें, पावर पावर से कैंसिल कर दें, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 2 आ गई। अब हमारे पास G1 आएगा, G1 का फार्मूला A मल्टीप्लाई आर, A हमारे पास है जी 1/2, आर हमारे पास है 2 से काट दें, तो इसका पहला आंसर हमारे पास आ गया जी 1। उसके बाद G2 मालूम करना है, A आर स्क्वेयर, A हमारे पास 2 है, सॉरी A हमारे पास है जी 1/2 और R है 2 का स्केयर आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2^4, 2 × 1 = 2, 2^4। तो G2 हमारे पास आ गया जी 2। अब G3 मालूम करते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास AR³, A पर लगाएंगे 1/2, R पर लगाएंगे 2 का क्यूब, 1/2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लेना तो हमारे पास आ जाएगा जी 8, 2 × 4 = 8, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब G4 हम करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई R की पावर आ जाएगी हमारे पास अब 4, 1/2 सेम मल्टीप्लाई R यानी कि 2 की पावर 4 आ गया, 1/2 सेम मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 16। इसकी कटिंग कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो G4 जो है हमारे पास आ गया 8। तो जी बच्चों, इस तरह हमारे पास जो है जायदा मशक चैप्टर नंबर 7 ये कंप्लीट हो गई है। तो इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेना अगर